33d. अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगुलर। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ये भी देखिए लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री। सप्लीमेंट्री में कितना से होता है 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 155 डिग्री। एक तो और निकाल लीजिए इसका भी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री। अब क्वेश्चन आइए 11। इसमें कहता है कि बीच क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल इंच ऑफ कितना इंच तक कितना हो गया 45 डिग्री। 12 में ध्यान दीजिए द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल टू दाना तरीका कितना हो गया 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और कौन सप्लीमेंट्री एंगल। तो 30 का ये 40 डिग्री और यहाँ हो गया 50 डिग्री। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद आइए बी 70 डिग्री और 110 डिग्री। ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। चूंकि यहाँ कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन है सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल 180 डिग्री कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ओ ए बी और ये हो गया सी ए बी बी में देखिए या 14 में देखिए इसलिए
आपको दिखाना है जो कुटी में जो आपका कौन दिया हुआ है कि इसमें कौन जो है एडजस्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका कौन ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी। कहता है कि आर एडजस्ट एंगल, तो ए ओ बी और ए ओ सी, इसलिए इसका आंसर होगा क्या बी, इसका आंसर आर एडजस्ट। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।